दुनिया भर में जियो एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को अपने न्यूज कास्टर मुजीन हुसैन बिलाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं, जहां फालिया में रोज रोज की चोरियों और डकैतियों से तंग आए हुए ताजरों ने फालिया शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद करके शटर डाउन हड़ताल कर दी, जिसके बायस शहर भर के बाजार सुनसान हो गए। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान व मिंबरान बड़ी तादाद में तहसील चौक में जमा होकर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने फालिया पुलिस की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ तहसील चौक में धरना भी दे दिया है। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ताजर बरादरी को जान माल और कारोबार का तहफ्फुज़ देने में यकसर नाकाम नजर आती है। ताजरों के तहफ्फुज़ के लिए मुस्बत लाए अमल मुरतब किया जाए। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि गुज़िश्ता रोज सर्विस शूज पर होने वाली डकैती के मुलज़िम फौरी गिरफ्तार किए जाएं। मरकजी अंजुमन ताजरान ने मुतालबात के पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है, जबकि पुलिस की जानब से तखीरी हरबे इस्तेमाल करने की सूरत में उन्होंने एहतजाज का दायरा दूसरे शहरों तक फैलाने का अंदिया भी दे दिया है। कैमरामैन नवीद अफजल के साथ रिपोर्ट, मैं अकील अहमद पोमी, क्राइम रिपोर्टर, जियो एक्सप्रेस न्यूज, मंडी बहाउद्दीन।